ये भी भूखी थी, ये छोटा बच्चा है देख लो, ये बिहार पूर्णिया की बेटी है, बिहार पूर्णिया की। देखो भाई कितना शुक्रगुजार होंगे ये लोग आप लोगों के, आपको बंदा अल्लाह देगा। देखो इन लोगों की हालात कितनी बिगड़ी हुई थी, यानी कि गाड़ी के किराए के बिना इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं, मैं सब इनके जेब में यानी कि तलाशी की, जैसे एक पुलिस वाले आप पीछे करते हैं। फिर मैंने इन सर को बताया तो इनने कहा कि भाई हमें आप लोगों का अरेंजमेंट करें। सुबह 5 बजे हम यहाँ पहुँचे, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और लेडीज हैं, हरियाणा से हम लोग आए, मगर हमें किसी ने पूछा, जब तक ये सर 1 मिनट जब तक हमारे एसएचओ साहब यहाँ पहुँचे, कहा बाबा क्या बात है, हमने कहा भाई हम भूखे हैं, हमारे पास कोई पैसा खर्चा वर्चा नहीं है, तब तक इन लोगों ने अभी इस साहब ने इनने हमारे लिए अरेंजमेंट किया, ये हमारे लिए बिरयानी है, ये संतरे केले यानी कि फ्रूट दिया, हमें बदला तो नहीं दे सकते, मगर इनको बदला कौन देगा, अल्लाह ताला देगा। हम इन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं भाई, बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। ये जम्मू और कश्मीर हो चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, ये देखिए भाई सुनिए, गॉड हेल्प अस, गॉड हेल्प अस, वी हेल्प अस, देन हेल्प इन सर ने हमारी मदद नहीं की, इनने अल्लाह की रजा के लिए मदद की, एक परदेशियों की इन लोगों ने क्या मदद की है। तो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जब उनको भी पता लगता है कि इस प्रकार से कई लोग जो हैं अगर रास्ते में मुसाफिर जो है वो फंसे हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सामने आती है, लेकिन इस समय तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी क्योंकि शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली, तो हम ही लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो किया। मुझे इमाम साहब ने, शेख साहब ने जो है वो इन्फॉर्मेशन दी कि आप भी जो है वो आ जाइए, और जितना हमसे बन पाया तो उतना जो है वो हम लोगों ने किया। आगे के लिए भी जब भी हमारी ज़रूरत जो है वो इस प्रकार से कहीं पर भी पड़ेगी, हम जो है वो हमेशा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में खड़े हैं, गरीब गुरबा के साथ में हमेशा खड़े हैं। हम सोशल काम जो है वो करते आ रहे हैं किसी बगैर व मज़हब व मिलत के, क्योंकि मज़हब जो है वो यही है कि आप इंसान होकर किसी और इंसान के जो है वो काम आ जाएं, इससे बड़ा धर्म मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता है, और उसी का सबूत जो है वो आज हम यहाँ पर इमरान साहब और मैंने यहाँ पे दिया कि हमने कलेक्टिवली मिलकर जो भी हमसे बन पाया कुछ फ्रूट्स और कुछ खाने का अरेंजमेंट जो है वो किया और पैसेंजर्स तक पहुँचाने का काम किया। मैं शुक्रगुजार कर रहा हूँ हमारे वार्ड नंबर 6 के कॉरपोरेटर जनाब मोहिद्दीन चौधरी साहब, जो बहुत ही नेक दिल के इंसान है, तो उन्होंने भी हमें इतला किया था, तो उन्होंने कुछ डोनेशन भी दिया था कि भाई आप इनकी हेल्प करो, तो उन्होंने लेकिन हमसे ये कहा गया था कि हमारा नाम नहीं लेना, क्योंकि अब चलो जिसने डोनेट किया है उनका नाम लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार है, वो वक्तन फवक्तन गरीब आवाम की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, और हमारी जो टीम दस्ते मददगार है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जो इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं दस्ते मददगार की टीम से, खुदा उनको सलामत रखे और हमेशा उनको कामयाब करे कि वो गरीब गुरबाहों की हेल्प करते हैं। और मैं गुजनगर पुलिस जो पोस्ट है उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ, जब भी इस टाइप का इनिशिएटिव होता है, जब भी किसी को इस कोई ज़रूरत होती है कोई किसी चीज़ की, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, मैं उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं, और इस्पेशली अपने पीर मिठा एसएचओ साहब एजाज, अपने राशिद चौधरी साहब, अपने एजाज साहब, इन सब और जितने भी उनके स्टाफ मेंबर हैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि वो हर टाइप के इनिशिएटिव में मदद करते हैं।